फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चहल आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल चहल ऑफिशियल में। और आज मैं आप लोगों से जो अपडेट लेके आया हूं, मोटेरा स्टेडियम जो कि दुनिया का नंबर वन क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी कैपेसिटी 1,10,000 लोगों की है, उसका जो इनॉग्रेशन का एक पॉइंट था कि इनॉग्रेशन कब होना है, कैसे होना है, तो वो अपडेट मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो में देखा था, मैंने अपडेट दिया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी द्वारा मोटेरा स्टेडियम का इनॉग्रेशन हो सकता है, लेकिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था। लेकिन अब व्हाइट हाउस ने ट्वीट के जरिए ये कंफर्म कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी पत्नी मेलानिया के साथ 24 और 25 फरवरी को हिंदुस्तान में आ रहे हैं, और उनके स्वागत की जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़ोरदार तैयारियां चल रही हैं। मोदी जी खुद इनके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं, और सिक्योरिटी के हिसाब से, और मोटेरा स्टेडियम जो कि रेनोवेशन उसका चल रहा था, जिसकी जो दुनिया का नंबर वन क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, और उसका इनॉग्रेशन मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होना सच में एक बहुत बड़ी बात है। तो उसका मोटेरा स्टेडियम में डोनाल्ड ट्रंप की जो रिसीविंग करना है, उसको लेकर के अहमदाबाद में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से वहां पर जो काम है फिनिशिंग किस लेवल से हो रही है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो सब दिखा देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं मोटेरा स्टेडियम के आसपास और पूरे अहमदाबाद में। तो देखिए दोस्तों, ये घर के सामने मोटेरा स्टेडियम कितना प्यारा लग रहा है, कितना ज़बरदस्त ये नज़ारा है, और ये सब स्टेयर्स वगैरह हैं। यहाँ पर 1 और 2 जो है सब एंट्री के हिसाब से जो सिग्नल रहते हैं, 1 और 2 का जो लाइन रहेंगी वह यहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं। और आप लोगों को मैंने नाइट का व्यू पहले दिखाया था, तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया था कि हमें डे में भी दिखाइए वहाँ का कैसा नज़ारा है, तो आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त है। इवन यहाँ पर कितना कंस्ट्रक्शन काम चला उसके बावजूद भी यहाँ पर पेड़ पौधों की बड़ी संभाल रखी गई है, ये एक अच्छी इंसानियत वाली बात लगती है मुझे। और ये आप लोग देख सकते हो कि जो मोटेरा स्टेडियम का ये जो गेट है, इसके सामने जो रोड का काम है वो चल रहा है। यहाँ पर जो देख सकते हो कि कितने सारे पब्लिक यहाँ पर है, जो छोटे वाला रोड रोलर, बड़े वाला रोड रोलर है, वो यहाँ कंटिन्यू एक प्रॉपर फिनिशिंग लेवल पर काम यहाँ पर कर रहे हैं। और ये सब आप देख सकते हो कि जो मेट्रो जो ब्रिज है बिल्कुल बाजू में है, और ये एक डिज़ाइन बनाया गया है पिलर के ऊपर मेट्रो के, तो एक हो सकता है कि सभी पिलर्स पर ऐसा डिज़ाइन बने, वो तो चलो देखना रहेगा क्योंकि अभी जो काम है वो चल रहा है। और यहाँ से देखिए थोड़ा सा स्टेडियम का जो गेट है, अलग अलग गेट यहाँ से 2 से 3 गेट बनाए गए हैं, और जो मेन एक जैसे गेट ये हुआ एक दूसरी साइड से, मैंने आप लोगों को दिखाया कि वहाँ जो गेट रहेगा वो, बट वो इनसाइड का पोर्शन रहेगा एंट्री के लिए। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये जो मेन रोड रहेगा मोटेरा स्टेडियम के अंदर जाने का, यहाँ आप दूर से देख सकते हो कि मोटेरा स्टेडियम दिखाई दे रहा है, और ये सामने जो है क्लब हाउस जो कि 5-स्टार फैसिलिटी के साथ ये क्लब हाउस है, और ये मैं आप लोगों को वहाँ नज़दीक लेके आया हूँ। अब यहाँ से एंट्री बंद हो चुकी है, अब मोटेरा स्टेडियम एंट्री के लिए आपको सिक्योरिटी पास करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्लब हाउस को नज़दीक से देखिए, मैंने जूम करके ऑलरेडी आप लोगों को मैंने मेरी वीडियो पहले वाली जो वीडियो देखी होंगी उसमें क्लब हाउस के अंदर का भी मैंने नज़ारा दिखाया हुआ है, मैं अंदर गया हुआ हूँ उसमें। और ये देखिए सिक्योरिटी का, वो सामने जो नज़र आ रहा है वहाँ पर सिक्योरिटी बैठी हुई है, बाकी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये आप लोग देख सकते हो कि मेट्रो जो स्टेशन, मेट्रो जो पिलर्स हैं मेट्रो जो ब्रिज के, और उन पर कलरिंग हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है या अहमदाबाद में, तो यहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है, और साथ में कलरिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि ट्रंप गुजरे। और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्चुअली ये सभी रोड है ना नए बनाए हैं, तो मैं है ना पिछले काफ़ी करीब 1 महीना पहले जब मैं ये रोड का काम चल रहा था तो बहुत ही अच्छे से चल रहा था, तो मुझे लगा कि यार इतने अच्छे रोड कैसे बन रहे हैं, मैं खुद सोच रहा था, एक झटका भी नहीं लग रहा बाइक पे, तब मुझे समझ आया कि ये सब ट्रंप के वेलकम के लिए हो रहा है। लेकिन तब अपडेट आया था कि ट्रंप आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है आए, ऐसा कुछ चल रहा था, लेकिन अब वो फाइनल हो चुका है कि वो आएंगे ही आएंगे। और ये देखिए मैंने जो रोड है, ये रोड पड़ता है अहमदाबाद से हम जब गांधीनगर जाते हैं मोटेरा होते हुए, तो ये उस रोड का है जो मेट्रो का पूरा जो रास्ता है ये यहीं से बना हुआ है, अहमदाबाद से गांधीनगर का मेट्रो का भी बिल्कुल स्टेडियम के सामने से है। और ये देखिए नाइट व्यू मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये इवनिंग का व्यू हो, बल्कि नाइट का व्यू नहीं इवनिंग व्यू है, तो ब्रिज जो मेट्रो के पिलर्स हुए हैं रात को भी यहाँ पर कंटिन्यू लेबर काम कर रही है, तो सब लोगों का काम कुशलता से हो, अच्छे से हो, ये मेरी दुआ है किसी को कोई चोट वगैरह न लगे, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। ये जो घर है वहाँ पर बने हुए स्टेडियम के बिल्कुल सामने, वहाँ मैंने दूसरी जगह से की थोड़ा सा व्यू लिया था, और देखिए किस तरीके से क्रेन के ऊपर खड़ा होकर के लेबर काम कर रही है। और एक जो अपडेट आप लोगों को मैं देना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप जो मेट्रो मोटेरा स्टेडियम में आएंगे उसके साथ साथ
वो गांधी आश्रम भी जा सकते हैं। तो ये मैं आश्रम रोड पे भी यहाँ पर जो काम चल रहा है, तो इससे मुझे आइडिया लगा कि गांधी आश्रम भी उनका जाने का प्लान बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो टुकड़ी वगैरह लगी हुई हैं वो ये नई टुकड़ियाँ लगा रहे हैं रोड के बीच में, और जो कलरिंग वगैरह भी चल रहे हैं। तो ये जो गांधी आश्रम आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल गांधी आश्रम के सामने से ही मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मैं यहीं से आता जाता हूँ, तो आप लोगों को देख सकते हो गांधी आश्रम का भी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरे अहमदाबाद में तैयारियाँ चल रही हैं और बहुत स्पीड में काम चल रहा है। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि क्योंकि सबके ऊपर बहुत प्रेशर है, 24 और 25 फरवरी तक सभी के सभी काम जितने हो मैक्सिमम कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करने के चक्कर में क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और मैं दुआ करूँगा कि जो भी लेबर इंजीनियर्स वहाँ काम कर रहे हैं बिना कोई फिजिकली डैमेज हुए सब काम अच्छे से करें, क्योंकि जब जल्दबाजी होती है, प्रेशर होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन मैं भगवान से दुआ करूँगा कि सभी काम बहुत अच्छे से होंगे, किसी को कोई फिजिकली डैमेज नहीं होगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद आ रहे हैं, हिंदुस्तान में आ रहे हैं, तो उनके स्वागत की तैयारियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। तो उनका जो शेड्यूल है वो अहमदाबाद में करीब 2:30 से 2:30 बजे के आसपास वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो स्टेडियम के लिए आएंगे, करीब 50 लाख से लेकर के 70 लाख तक लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम तक रहेंगे उनके स्वागत में। 50 लाख to 70 लाख, मैं भी जब ये मेरे को अब ये अपडेट मिला तो मुझे सच में बहुत हैरानी हुई, लेकिन ऐसा अपडेट आया है कि 50 लाख से 70 लाख लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ पर रहेंगे एयरपोर्ट से लेकर के मोटेरा स्टेडियम तक। और एयरपोर्ट से मोटेरा स्टेडियम वो हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे और मोटेरा स्टेडियम में ही हेलीपैड बनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब मोदी जी अमेरिका में गए थे तो वहाँ पर हाउडी मोदी के नाम से प्रोग्राम किया गया था, तो यहाँ अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम के अंदर ही केम चो ट्रंप के नाम से प्रोग्राम उनके लिए उनके स्वागत में किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया है, उनका भी मैसेज आया है, उनकी पत्नी का भी मैसेज आया है कि वो हिंदुस्तान के दौरे को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, बहुत ही एक अमेजिंग फीलिंग्स है, वो बहुत इंटरेस्टेड है हिंदुस्तान आने के लिए। पिछले दिनों मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन पर भी बातचीत हुई थी, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और जब अमेरिका और भारत जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं कंट्री वाइज, तो इससे द्विपक्षीय जो कुछ समझौते भी होंगे, हिंदुस्तान के लिए कुछ जो एक बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है अमेरिका से, और जो संबंध मजबूत बनेंगे और दोस्ती भी बहुत अच्छी है। इससे पहले बराक ओबामा 2010 और 2015 में हिंदुस्तान आए थे, और अभी डोनाल्ड ट्रंप एज ए राष्ट्रपति फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, तो काम बहुत अच्छे से चल रहा है, उनके स्वागत की बहुत ज़बरदस्त जोरदार तैयारियां चल रही हैं। मोटेरा स्टेडियम का जो कंस्ट्रक्शन का काम है फिनिशिंग लेवल पे चल रहा है, कलरिंग वलरिंग हर तरीके से, बाहर मेट्रो जो पिलर्स है सभी पे कितने अच्छे से काम चल रहा है। और अभी टाइम है, और उनके जो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज पूरा का पूरा इसको वेरिफिकेशन में ले रही हैं। करीब 300 पुलिस वालों के साथ में NSG जो कमांडो वगैरह हैं वो सभी यहाँ पर रहेंगे तैनात, और अमेरिकी जो सिक्योरिटी के अधिकारी हैं वो भी अब 3 से 4 दिन बाद यहाँ पर आएंगे, और जो 4 दिन रहेंगे उनके आने से पहले पूरी की पूरी सिक्योरिटी उनके द्वारा और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा पूरी तहकीकात की जाएगी, कोई किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क न हो जाए, क्योंकि दोनों हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, वर्ल्ड के जो बहुत ही टॉप नेता हैं, तो उसके वजह से सिक्योरिटी को लेकर के भी बहुत ही अच्छे से तैयारियां चल रही हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई रिस्क ना आ जाए। तो दोस्तों, ये देखिए दूसरी जो आप लोगों को मैंने पहले दिखाया और अभी फिर से दिखा रहा हूँ, एक बार दोबारा मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को अच्छे से अपडेट करना चाहूँगा कि मोटेरा स्टेडियम की क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा स्टेडियम है, कंपैरिजन पेशक कर सकते हैं किसी चीज़ से, लेकिन इस बजट के हिसाब से मोटेरा स्टेडियम में हर तरीके से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज हुए हैं। LED लाइट है वो भी बहुत अच्छी है, चेयर्स भी बहुत अच्छी हैं, और इनसाइड में हर तरीके से बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो रूप है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज हुई है, और पे ट्रीज़ वगैरह का ध्यान रखते हुए स्टेडियम को बनाया गया है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में भी जो ट्रीज़ हैं एज इट इज़ रखे हैं, संभाल के रखे, तो बहुत अच्छी बात है। स्टेडियम बहुत अमेजिंग है, ज़बरदस्त है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जैसे ही आगे इसमें कंस्ट्रक्शन अपडेट होगा वो भी मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो और दुआ करता हूँ कि अच्छे से अच्छे मैच यहाँ पर हों और हम लोग मोटेरा स्टेडियम में मैच देखने का एन्जॉयमेंट कर सकें। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय दोस्तों, एंजॉय, टेक केयर।